हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना मटर की सब्ज़ी और बहुत ही रिच सब्ज़ी होती है ये और बहुत ही अच्छी लगती है और देखिए अभी मैं मखानों को रोस्ट कर रही हूँ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ देखिए मखाने अच्छी तरह से मेरे ड्राई हो सके हैं इनको अच्छी तरीके से ड्राई करना है क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो थोड़े से सील जाते हैं और अभी मैंने लिए हैं कुछ सूखे मसाले और ये इसमें दालचीनी है और काली मिर्च है और जीरा है इनको मैं भी फ्राई कर लूँगी और अभी जो मैंने लिए हैं ये टमाटर हैं और प्याज है हरी मिर्च है और अदरक है और मटर भी लिए मटर को लेकिन मैंने अभी नहीं डालना है तो इनको ही अभी मैं डालूँगी और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है सभी को क्योंकि मुझे बाद में ग्राइंडर करना है इनको मिक्सी में पीसना है तो इसी के लिए मैं अभी मोटे मोटे ही काट लिए हैं तो अभी बस इनको पका लेंगे और इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद ढक देंगे ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए तो जब तक ये पकते नहीं है तब तक मुझे और भी और काम निपटा लेते हैं चलिए तो ये मैंने ब्रेड ली हैं दो ब्रेड ली हैं मैंने और इनको मैं इनके किनारे मैं इनको कट कर लूँगी तो इनके किनारे कट करने के बाद में इनको तोड़ कर उसमें दूध में, में भिगो दूँगी जिससे कि ये फूल जाएंगी और फिर मैं बाद में ग्राइंडर कर लूँगी मिक्सी में ग्लाइंड कर लूँगी तो देखिए मेरे ये पट चुके हैं और अभी इनको अभी दूध में ये मैंने आधा कप आधा पौना कप दूध है ये उसमें लिए उसे लिया है और उसमें भिगो दूँगी मैं इनको अच्छी तरीके से तोड़ कर भिगोना है और जिससे कि ये अच्छी तरीके से फूल जाएँ तो अभी मैंने भिगो दी हैं और देखिए टमाटर प्याज भी मेरी पक चुकी हैं थोड़ी आधी पकी है अभी थोड़ी सी बाकी है तो इसमें कुछ पानी मिला देते हैं जिससे कि ये और अच्छी तरह से पक जाए और जले ना जिससे कि नीचे लगे ना और अभी मैं इनको पका लेती हूँ सॉरी पीस लेती हूँ इनको मिक्सी में ब्रेड और दूध जो मैंने मिक्स किया था उसको मैं पीस लेती हूँ तो देखिए मैंने ये पीस लिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसना है और इधर मेरी प्याज और टमाटर भी पक चुके हैं तो अभी इनको ठंडा करके इनको भी मिक्सी में पीसेंगे और ये कुछ मैं सूखे मसाले कर रही हूँ हल्दी डाल दी है धनिया पाउडर डाल दिया है जीरा पाउडर डाल दिया है और मिर्च डाल दी है जी मैंने देगी मिर्च ली है तो आप अपने स्वाद अनुसार लें क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी इसी वजह से मैंने देगी मिर्च ली है इस क्योंकि इसका वो नहीं आता है तो इसलिए मैंने ये डाल दी और अभी ये जो मैंने प्याज और टमाटर का ये पीसा था इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया देखिए कितना प्यारा कलर आया है देखिए ये तो अभी से ऐसी लगने लगी है कि रिच सी सब्जी लगने लगी है बिल्कुल और ये ही जो होती है ये हमारी प्यूरी होती है यही आप काफ़ी सब्जियों में अभी भी डाल सकते हैं तो अभी मैंने मटर भी डाल दिए हैं जिससे कि मेरे मटर पक जाएँ अच्छी तरह से मैंने तो फ्रोजन मटर नहीं लिए हैं सिंपल ही मटर लिए हैं तो देखिए कितनी प्यारी सब्ज़ी लग रही है मेरी तो और तेल भी छोड़ दिया है मसाले पक चुके हैं तो मैं डाल देती हूँ इसमें पानी पानी डालकर थोड़ा सा पकाऊंगी उसके बाद में मखाने भी डाल देंगे तो देखिए मेरे पानी पक चुका है और मैंने इसमें डाल दिए हैं मखाने मखानों को ध्यान रहे अच्छी तरीके से रोस्ट करके ही डालें सिले हुए ना डालें और देखिए मैंने मिक्स कर दिए हैं अच्छे तरीके से देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी हमारी अभी से अच्छी लगने लगी है ये तो मन कर रहा है कि खा लें अभी थोड़ी देर ढककर पकाएंगे इसको और फिर देखिए अभी पक चुकी है मेरी सब्ज़ी काफ़ी हद तक पक चुकी है अभी कुछ बाकी है तो अभी थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोल कर देखते हैं तो कितनी अच्छी लग रही है देखिए और अभी बस इसमें डाल देंगे दूध और ब्रेड जो मैंने मिक्सी में ग्राइंडर किया था उसको इसमें डाल देंगे देखिए कितनी प्यारी लग रही है वाह खाने को बिल्कुल मन कर रहा है और बस अभी इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी जो मैंने सील रही थी तो मैंने तवे पर थोड़ी सी रोस्ट कर ली क्योंकि बरसात के दिनों में सारी चीज़ें ही सील जाती हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी तवे पर और डाल देते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है बाय बाय देखिए कितनी प्यारी लग रही है